अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी 10 मई को यहां हमारे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी मैदान में है 5 लोकसभा क्षेत्रों से उनके जिताने के लिए उनके प्रचार के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं। जीटीबी अस्पताल के सामने वाला जो मैदान है रामलीला मैदान उसमें पहुंच रही हैं। तो इस कारण से दूसरा कारण ये था कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को शिकस्त देने के लिए और इस देश को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ महागठबंधन करके और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह जी के साथ महागठबंधन करके पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं और बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन हासिल हो रहा है। अभी जो 4-5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं उसमें भारी बहुमत से गठबंधन विजयी हो रहा है। तो इधर हमारे दिल्ली प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का संगठन है तो उनकी तरफ से 6 तारीख को जो हमारी इधर कार्यकर्ताओं की आवश्यक पदाधिकारियों की बैठक हमने बुलाई थी उसमें वो लोग आए और उन्होंने बताया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उनके प्रमुख महासचिव श्री राम गोपाल यादव जी के निर्देशन में उनके आदेश पर उनके जो प्रदेश के कार्यवाहक के जो प्रेसिडेंट हैं श्री RS यादव उनको निर्देशित किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी का जो महागठबंधन है समाजवादी पार्टी का वो तो उत्तर प्रदेश में तो है ही है, उत्तर प्रदेश के अलावा भी कोई जहाँ भी समाजवादी पार्टी है और वहाँ पर वो चुनाव नहीं लड़ रही है तो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को वो अपना समर्थन दे रहे हैं। इसको लेकर के एक समर्थन पत्र लेकर के वो आए थे और उन्होंने श्री RS यादव जी जो यहाँ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने और उनके इसको पर्सन भी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये पत्र दिया है और उनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश दिया है कि वो बहुजन समाज पार्टी के 5 जगह जो हमारे प्रत्याशी हैं मैदान में उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरा तनमन धन से समर्थन करें, उनको जिताने के लिए काम में लग जाएं। तो इस तरह से तो ये संदेश था आपके लिए। दूसरा जैसे मैंने बता ही दिया है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो महागठबंधन है तो वो पूरे चल रहा है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बहुमत की तरफ बढ़ रहा है जिससे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का मनोबल भाजपा के साथ बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे उतरे हुए हैं, उनके राष्ट्रीय नेताओं के चेहरे उतर चुके हैं। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी चेहरे का नूर उड़ा हुआ लगता है और उनको लगता है कि वो 23 मई को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उत्तर प्रदेश से उनका रास्ता रुक जाएगा, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सीट देने का काम किया था और वहाँ अब उनको एक दाई की सीटों में सिमटने का आसार है कि 8 से 10 सीटें उनको मिलेंगी बहुत मुश्किल से। तो आज उनके चेहरे का नूर उतरा हुआ है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज का नया प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और वहाँ से रास्ता खुल गया है और उत्तर प्रदेश से जो सबसे बड़ी पार्टियाँ हैं उनका महागठबंधन है उनकी तरफ से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को PM के रूप में उतारा गया है। और मुझे निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश की जनता से भी अपील करता हूँ कि ऐसे मौके पर पूरा देश जब बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है तो हमारे जो BSP की तरफ से जो प्रत्याशी मैदान में है उनको जिताएं जिससे कि बहन जी को मजबूती मिलेगी और प्रधानमंत्री बनने के लिए रास्ता उनको मदद करेगी। दूसरा जो रामलीला GTB अस्पताल के सामने रामलीला ग्राउंड है उसमें 10 मई को बहन जी पधार रही हैं तो मैं पूरे प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ दिल्ली प्रदेश की जनता से कि बड़े पैमाने पर सारे काम काज छोड़ते हुए अपने राष्ट्रीय नेता के अपने प्रिय नेता के विचारों को जरूर सुने क्योंकि आज पूरा देश बहुत कीमती समय उनके पास है और पूरे देश में पूरी चुनाव की रैलियाँ अनवरत रैलियाँ कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं और स्पीच में से हम लोगों के आग्रह पर विशेष अनुरोध पर बहन जी ने हमको दिल्ली के लिए अपना समय कीमती समय दिया है और वो इधर आ रही है। पूरे प्रदेश स्तर पर जो दिल्ली प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम होगा बड़े पैमाने पर वहाँ पर आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, सभी जो हमारे साधु हमारे साथीगण हैं कार्यकर्तागण हैं बहुजन समाज के समर्थक हैं तो उन सभी को मैं दावत देता हूँ कि वो बहन जी को सुनने के लिए 2 बजे रामलीला ग्राउंड GTB अस्पताल के सामने जरूर पहुँचे, ये मैं अपील करने के लिए। मैं जा रही थी क्या उस रैली के अंदर जो रामलीला मैदान में होने जा रही है GTB के सामने उसमें सपा के पदाधिकारी भी होंगे क्या, मतलब गठबंधन के भी नेता आ रहे हैं उसके अंदर?
जी, जैसा कि मेरी चर्चा हुई थी और वो हमसे जो पत्र देके गए हैं और उन्होंने पूरे सबको निर्देशित किया है कि वो रैली में उनके लोग भी पहुंचेंगे और बहन जी के कार्यक्रम को सुनेंगे और पार्टी को समर्थन देने का काम। जैसे आपने बताया कि 5 प्रत्याशी उतारे हैं, बाकी 2 सीटों पर कहीं गठबंधन है या प्रत्याशी नहीं मिले? देखिए, हमारे बहुजन समाज पार्टी ने 7ों लोकसभा सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जाए या इनकी सभा पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तानाशाही कहा जाए कि बिना किसी कारण से 2 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए। और जो इलेक्शन कमीशन है, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी के साथ साथ और पूरे अपोजिशन के लीडर बोलते हैं कि न जाने क्यों निर्वाचन जो आयोग है इसी है, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, उसकी हाथों की कठपुतली बन गया है। उसकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना, और जब कैंडिडेट ही नहीं मैदान में रहेगा तो चुनाव कैसा? हमारे कैंडिडेट का जो पर्चा दाखिल किया गया उस पर जो ऑब्जेक्शन लगाया गया उसको उन्होंने रिमूव करा दिया था, उनकी जो कमी थी उसको दे दिया था। एक प्रत्याशी जो नई दिल्ली से उसका खारिज हुआ, उसके फोटोग्राफ नहीं लगाया था, जिसको लेकर के उन्होंने कहा था भाई इसमें लिस्ट में कि आपके फोटोग्राफ नहीं है, तो उनको रिसीव करा दिया, रिसीव की कॉपी है। और जब वो रिजेक्ट किया गया तो वो बार बार दिखाते रहे, पूरा पक्ष कहते रहे, लेकिन उनको सुनने को तैयार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और झड़प गए, और वो जो वहाँ पर पर्यवेक्षक था वो आरोप चेयर से उठ गया, बाद में बोले कि आपको हम बाद में समय देंगे, और इसी तरीके से उन्होंने पूरा समय निकाल दिया और वो उन्होंने नहीं सुना, जिसके कारण हमारे 2 प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।